देश में डिजिटल क्रांति के आने के बाद जहां बार बार कैश निकालने के लिए एटीएम की लाइन में लगने से छुटकारा मिला है, तो वहीं जेब का बोझ भी थोड़ा कम हुआ है। पान की दुकान हो या मेगा स्टोर, मोबाइल निकालिए, वहां लगे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और पेमेंट डन। पर जितनी तेजी से लोग डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से लोगों के साथ फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसी ही कुछ क्यूआर कोड की फिशिंग की खबरें सामने आ रही हैं, जिसका इस्तेमाल कर साइबर क्रिमिनल्स आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। कैसे और किन किन तरीकों से होता है ये स्कैम और कैसे इससे बचा जा सकता है, हम आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि क्यूआर कोड फिशिंग का ये पूरा खेल शॉपिंग वेबसाइट पर लोगों को टारगेट कर खेला जा रहा है। इन वेबसाइट्स पर स्कैमर्स सस्ते प्रोडक्ट्स डाल लोगों को आकर्षित करते हैं। सस्ते के लालच में जैसे ही आप उस सामान के खरीदने के लिए उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं, तो आपको पेमेंट के लिए आपको क्यूआर कोड सेंड किया जाता है। जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट करेंगे, आपका फोन हैक हो जाएगा, जिससे आपकी अकाउंट डिटेल और यूपीआई पिन का इस्तेमाल कर स्कैमर आपके बैंक खाते में पड़ा सारा पैसा उड़ा सकते हैं। ऐसे किसी भी स्कैम और फ्रॉड से बचने के लिए हमारी आपको सलाह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को पेमेंट उसके भेजे गए क्यूआर कोड पर करने से बचें। कोई भी ऐसी पेमेंट जो आपको किसी अनजान व्यक्ति को करनी है, तो डायरेक्ट उसके बैंक में ही जमा करें। आपको बता दें, भारत में धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाला क्यूआर यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड सबसे पहले जापान में बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।